नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के बरेली के मीरगंज क्षेत्र में चोरों ने फैलाई दहशत। मामला बरेली के मीरगंज थाना क्षेत्र के गांव नतपुरा का है, जहां लगातार तीन घरों में लाखों रुपए की चोरियों से गांव में डर और दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि चंद्रपाल गंगवार पुत्र राम स्वरूप निवासी नतपुरा के घर रात को लगभग 2 बजे चोरों ने दस्तक दी तथा घर की अलमारी का ताला तोड़कर 95,000 की नकदी व 2 तोले का हार अलमारी से निकाल कर ले गए। रात के समय घर में सभी सदस्य सो रहे थे। अलमारी में हो रही आवाज़ को सुनकर चंद्रपाल की पत्नी रेखा की आँख खुल गई और उन्होंने अंदर जाकर देखा तो एक चोर अलमारी में हाथ साफ कर रहा था। जैसे ही रेखा ने आवाज दी कि कौन है तो चोर अलमारी में रखे सामान व नकदी को लेकर फरार हो गया। बताते चलें कि चंद्रपाल के घर के काम चल रहा था, जिसमें स्टील की ग्रिल लगने का कार्य बाकी था। स्टील की ग्रिल के काम के लिए चंद्रपाल ने घर में केश लाकर रखा गया था, जिस पर चोरों ने अपना हाथ साफ किया। नतपुरा गांव में दूसरी चोरी के गांव के ही निवासी विजय के घर में हुई, जिसमें रात के समय चोर विजय के घर में घुसकर उसकी भैंस को खोलने का प्रयास कर रहे थे। भैंस के गले में लोहे की जंजीर बंधी हुई थी। जंजीर की आवाज़ सुनकर विजय उठ गया और उन्होंने चोरों को देख उनका पीछा किया। इससे चोर मौके से फरार हो निकले। चोर पास में गन्ने के खेत में भाग गए। गन्ने के खेत में लगे तार में से फंसकर विजय के पैर में गंभीर चोट भी आई। चोर विजय के घर से एक स्मार्टफोन चोरी कर ले गए। वहीं तीसरी चोरी नतपुरा गांव के ही चंद्रसेन गंगवार के घर में हुई। घर में घुसे चोरों की आहट सुनकर चंद्रसेन गंगवार जाग गए और आवाज़ देने पर चोर चंद्रसेन गंगवार के घर से भाग निकले। चोरों द्वारा घर से जरूरी कागजात का बैग गायब निकाला। चंद्रसेन गंगवार के मुताबिक घर से लगभग 4,000 रुपये गायब हुए। मीरगंज संवाददाता दानिश अख्तर की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? विजय। कहाँ के रहने वाले? ग्राम नतपुरा। क्या घटना हुई थी रात? रात चोर आए थे, फिर उसके बाद भैंस खोलने का प्रयास किया, जब ही मोबाइल रखा था वो उठा लिया। खूब घूमते रहे, 10 मिनट लो चोर घूमा है। उसके बाद निकलने का प्रयास किया तो इधर को आया अंदर, तो अंदर दरवाजे देखने लगा कि दरवाजे में है कोई बाहर या अंदर है। उसके बाद बाहर को निकलते हुए आया, फिर उसने गेट बंद करने की कोशिश की। थोड़ी सी देर बाद भैंस खोलने के प्रयास भी किया। ये चोट कैसे लगी आपके? चोट उसका भागते हुए पकड़ते हुए। आपने पीछा करा उसका? हाँ। तो ना क्या लगा आपके पैर में? ब्लेड वाला तार लगा था। अच्छा, हाँ सर, क्या नाम है आपका? चंद्रसेन गंगवार है। कहाँ के रहने वाले हैं सर? ग्राम नथपुरा है। क्या हुआ था रात? चोर घुस गए थे घर में। कितने बजे की घटना है? ये 12:35 करीब रहा होगा। अच्छा, तो क्या सामान गया अपना? वैसे कोई सामान नहीं गया, मेरा बैग था मेरे बारे कमरे में, उसमें सरकारी कागज़ थे, वो बैग लेके चले गए। अच्छा। उसमें कुछ पैसे भी थे और कागज़ थे सरकारी। पैसे कितने थे सर? लगभग 4,000 करीब थे। अच्छा, फिर ये बैग वगैरह कहाँ मिला आपका? ये तो गांव के बाहर एक चक्रोड जा रहा है पश्चिम साइड के लिए, उस पर मतलब कई जगह पर मिले, अलग अलग जगह पर। अच्छा। हाँ, बैग सबसे अलग मिला घूरे पर, एक खाद गड्ढा था उस पर पड़ा मिला। ये रात में आप लोगों ने? हाँ, रात में करीब 4 बजे वक्त बालक हमने भेजा, मैं देखो इधर को गए थे, हो सकता है इधर कहीं ना पड़ा हो। तो इन्हें पहले डायरी मिली, बोले हाँ ये डायरी तो मिली, तो हमने और देखो आगे बढ़ के, फिर उधर को देखे तो मतलब मिले, कागज मिल गए। कागज मिल गए, हाँ बैग भी मिलेगा। पैसे नहीं थे? 4,000 रुपये ले? नहीं, पैसे नहीं थे।